अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूँ आशिया खान। बात करें अगर पिछले कल की, तो जम्मू कश्मीर में एक भारत एक कातम भारत का जश्न मनाया गया। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इक्वलिटी, यानी इक्वल इक्वलिटी, हम इक्वलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे एक भारत एक कातम भारत की बात हुई, उसके लिए जश्न मनाया गया। अगर हम सबको एक नज़र से देखने की बात करते हैं, तो ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, इक्वलिटी फॉर ऑल, यानी इक्वलिटी फॉर ऑल। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ये जो हमारे पीछे लोग हैं, ये रामनगर से हैं। ये सारे लोग एक मसले को लेकर हैं। अगर हम इन्हीं से आपको बताएं कि क्या मसला है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर इनके साथ अभद्र व्यवहार किए गए। ये सारे लोग SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी हम इन्हीं से आपको सुनवाते हैं कि क्या अभद्र वर्ड्स इस्तेमाल किए गए इनके साथ। सर, सबसे पहले आपका नाम? रिटायर्ड कैप्टन दीनानाथ, ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक सर, मजालता। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं सारा मसला क्या है। सर, जो पिछले 29 जुलाई को हमारे एक चुनौता की BDC चेयरपर्सन श्रीमती गीता देवी, जो वहाँ के चेयरपर्सन है, उन्होंने मीटिंग ली थी अपने ब्लॉक में, और उस मीटिंग के दौरान वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव राधा देवी, जिन्होंने इनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, और ये कह करके कि उन्होंने एक कम्युनिटी के खिलाफ एक बात कही कि हम ऐसी सड़ी हुई मेघनी को अपने सिर पर नहीं बिठाएंगे। वह मैं जे गवर्नमेंट से जे कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन दी गई है, उनको BDC चेयरमैन को एक DM और एक ब्रिगेडियर का प्रोटोकॉल दिया गया है, तो इनके साथ ऐसा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। और आए दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 73 ईयर हो गए हैं हमारे इंडिया को आज़ाद हुए, और अभी भी जो ऐसी कम्युनिटी है वो उन्हीं जंजीरों में बंधा हुआ अपने आपको महसूस कर रहे हैं, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे था। कुछ चंद आदमी जो है, जो उच्च कास्ट के हैं, और वो खास करके जो BJP से भी कंसर्न रखते हैं, और वो पार्टी का जो है वो सहारा लेकर के हम लोगों के साथ, जो ऐसी कम्युनिटी के साथ जो है वो एक बुरा व्यवहार करते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, या जो भी हमारे कार्यकर्ता होते हैं, या जो काम करने वाले लोग हैं, उनके कामों में अड़ंगा अड़ाते हैं, जहां तक के मारपीट पर भी उतरते हैं, और खास करके जो हमारी ऐसी कम्युनिटी के साथ पिछले 4-5 सालों से जो रामनगर में जो दुर्दशा हुई है, उसमें से 24-25 केस जो है वो सुसाइड के केस हुए हैं, या फिर उनके मर्डर किए गए हैं, उसमें जो है वो 90% तकरीबन ऐसी कम्युनिटी के थे। वो कारण सिर्फ ये है कि जब भी इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार होता है, तो वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास या पुलिस के पास अगर वो पर्चा लगाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर SC ST का जो एक्ट बनाया गया है, जो अटैच बनाया गया है, उसको यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, और इन लोगों को जो ऐसी कम्युनिटी के हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, और लास्ट में उनको यही रंग दिया जाता है कि भाई ये इन्होंने जानबूझ करके सुसाइड कर लिया गया है। ऐसे ही हमारे जो गीता देवी हैं, जो चेयरपर्सन चनोनता हैं, इन्होंने वहां पर FIR रामनगर में लगाई है, लेकिन अभी तक उस पर पुलिस स्टेशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंसेस भी दी हैं, आज जो यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस देने का हमारा जितने भी जो 5 चेयरपर्सन जहाँ पे रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ यही मकसद है कि हमारी जो ऐसी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, इनके साथ जो है वो ज्यादती की जाती है, लोगों उच्च कास्ट के लोगों का, जो सभी नहीं है, चंद आदमी हैं, और मेरा यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पे जो SC ST एक्ट जो बनाया गया है, उसको जो है पावरमेंट में लाया जाए, ना कि उनको फाइलों में रखा जाए। अगर आज की डेट में पुलिस स्टेशन से अगर इसकी स्टेट मांगी जाए कि आज तक जो पिछले 5 सालों में आपने SC और ST एक्ट के तहत कितने लोगों पर कार्रवाई की है, तो मुझे लगेगा कि वहां पर 0% की रिपोर्ट आएगी, कि क्योंकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी दलितों पर अगर कोई अत्याचार होने से रोका जाने की अगर कोई जगह है, तो वो है कि भाई इस जो SC ST का जो एक्ट बना है, उसको पावरमेंट में लाया जाए, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जो है वो सख्त सजा दी जाए। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, और जितने भी जो एससी के जो BDC चेयरपर्सन या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं,
गवर्नमेंट उनका जो है वो प्रोटेक्शन दे ताकि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो किसने आपको ये अल्फाज कहे जो अभद्र अल्फाज थे, मैं आपसे जानना चाहूँगी किसने ऐसे अभद्र अल्फाज यूज़ किए? देखिए चुनूनता जो पंचायत इनकी वो है ब्लॉक है और वहाँ बड़ोल की एक सरपंच है, उन्होंने जब इन्होंने मीटिंग रखी चेयरमैन ने तो एक सरपंच ने इनको जो ऐसी भाषा में कहा कि एक सड़ी हुई मेघनी, हम इन इसको सर पे नहीं बिठाएंगे। मैम आपका नाम है गीता देवी जी? मैम आप बताएं। मेरा नाम गीता देवी है, बीसीटी चेयरमैन ब्लॉक चनूनता। मैं एक मीटिंग रखी ही हेडक्वार्टर पंज ग्राई ब्लॉक हेडक्वार्टर पंज ग्राई नगरोटा में पंचायत घर, उत्थे सारे सरपंच बिठा दे, मैं मीटिंग लैती ही ते एक सरपंच ने बोला कि ए जेड़ी ए है चेयरमैन असी इसी नहीं अपने सिरे पर बिठाई सकते कि ये ऐसी लोग हैं। असें उसका नाम बताएं, राधा रानी पंचायत बड़ोल, वो बोलती कि ये सड़ी दी मेघनी है, असें सिरे पर नहीं बिठानी है, इसी असें थल्ले तुआरना कुर्सी उपरा, ते अस इन्हें लोकें गी नहीं चाहने हैं, असें नहीं चाहते हुए ऐसे लोकें गी। और बाकी कोई जेड़े भी लोग जरनल है उन्हें नहीं बोलिया कि एक वह भी सरपंच है, बाकी भी सरपंच जेड़े है उन्दी गै जाति पाति। पहली बार हुआ या आज से पहले? पहली बार होया, पहले कदा नहीं होया, पहली बार गया होया। उस तो आपने कहीं पर शिकायत की? हाँ मैं FIR दर्ज कराई रामनगर, अजे तक ओदा कोई भी। कितने दिन पहले आपने FIR दर्ज कराई? 30 तारीख। हाँ 30 तारीख अजे तक उन्हें कोई ओदा सीरियस नहीं चुकया है, ओदा मुद्दा दत्ता नहीं है। तो मैं इयै चाहनी कि साढ़े कन्नै इंसाफ होना चाहिए, ये लोग हर वक्त असें इयै टारगेट करते कि ऐसे लोग न ऐसे लोग न हर वक्त। मतलब इससे पहले भी कोई मसले हो चुके हैं CST को लेकर? हाँ पहले भी बोलते रहते हैं कि बड़े मसले ऐसे के हुए, अस लोग इं पिछे गै रौंदे हे, नहीं बोलते है कि अस लोकें इन्ना अधिकार भी नहीं हा, तो अस पिछे गै रौंदे हे, नहीं बोली सकते है कि हून असें गौरमेंट ने भी साढ़ा अधिकार बाहर लाया तो असें अधिकार बोलना नहीं है। तो मैं फिर भी उसी ऐसा इं थोड़ा सहमत कर लेता उसलै, जिसलै उस बोलिया मैं फिर भी नहीं बोली, मैं FIR दर्ज कराई कि कानून आपू इंदा मसला हल करी लैग। चलिए आपसे एक और बात जानते हैं, आपको सिर्फ सरपंच ने ऐसा कहा या जो बाकी के नागरिक थे उन्होंने भी ऐसा कहा? नहीं बाकी लोगों ने, वो सरपंच का राधा रानी जेड़ी बड़ोल दी है सरपंच, बाकी लोगों ने बोलिया है जी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या? मेरा नाम नीलम देवी है, मैं BDC चेयरपर्सन ब्लॉक पल्लीदार की हूँ जी। आप क्या कहना चाहेंगी इस सब मसले पर? हम इस मसले पर यह कहना चाहते हैं कि हम एक SC जो रिजर्व सीटें हुई थी वहाँ की, जो SC वुमेन को वुमेन रिजर्व सीट है, और जो वो जो एक चुनाव लड़के वो अगर अपना हक प्राप्त किया, उन्होंने चेयरपर्सन ब्लॉक की चेयरमैन है वो, अगर उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव हो तो ये सरकार कहाँ सोई है कि वो इनका कोई सुध-बुध नहीं ले रही है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि अगर हमने जो हमारा हक बनता था, अगर आपने रिजर्व सीटें किया तो हमने जो हमारा हक बनता है, तो ये लोग जो हैं जो BJP की सरकार है, जो जो जिन इनके लोग हैं जो जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, SC के जो जात पात के मसले से जो हमें लोग जो पीछे करना चाहते हैं कि ये लोग SC है वो है तो है, तो ये सारा मसला जो है ये पार्टी बेचर है, क्योंकि ये BJP के ही वो लोग हैं जो हमें ऐसी जात पात के बारे में वो कर रहे हैं, गमराह कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, यानी आपका कहना है कि जिन्होंने ये सारी हरकत की है, यानी अभद्र वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो BJP के लोग? हाँ वो BJP के लोग हैं। अगर हमारे SC कोई भी है, जो एक बार पिछले दिन के पहले तो हमारे चनूनता गांव की लड़कियों के साथ कुछ लोगों ने, लड़कों ने छेड़खानी की थी, तब उनको जब रामनगर पुलिस में उनको वो बुलाया जाए या कुछ भी, वो पीछे जो वो लोगों को बोलते कि आप जहां मर्जी जाएं, सरकार जो हमारी आगे है BJP है, हमें कौन क्या कहेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जे हम जो हैं वो SC लोग हैं, जे कोई बाहर से खोड़ी आए हैं, इन्हीं के साथ हैं या कुछ भी हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
सरकार कहाँ सोई है अभी तक, जिनकी लोगों की जो ऐसे लोग भाषा बोलते हैं लोगों को जो कुछ भी, तो उनकी सुध बुध क्यों नहीं ले रही है। हम यही अपील करते हैं कि लोगों को हमारा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और इन लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैम आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन से आखिर में अपील करती हैं? मैं यही अपील करना चाहनी कि मेरे कन्नै इंसाफ होना चाहिए कि जेड़ी भी उन्हें मिकी गल बोली है तो गौरमेंट ओहदे उपर एक्शन लै, पुलिस ओहदे उपर एक्शन लै। तो असें ये हर वक्त इ'यै टारगेट करते हैं कि ये ऐसे लोग क्या असें जीना नहीं है इत्थे ऐसे लोगों की। बाकी सारे कोई जनरल जेड़े असें नहीं, वो साढ़े कन्नै गै न, पर जेड़े बीजेपी ले ये गै ज्यादा असें टारगेट करते। यानी साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ वहाँ पर SC ST को लेकर यानी अभद्र वर्ड्स इस्तेमाल किए गए और बोला गया कि ये इनको हम सिर पर नहीं बिठाएंगे, यानी ये वहाँ के जो सरपंच हैं उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई इनको, जो कि हम कह दें कि अगर इक्वालिटी है तो वो सबके लिए है, हम किसी को ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते वो SC है या ST है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। तो हम यही चाहेंगे अंत में एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।